मॉर्निंग एवरीवन, एक और खुशनुमा दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिस इज मी शरद पारिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस को आपके लिए शूट किया था, तो आइए उसके आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हम बीसलपुर के लिए निकल चुके हैं। इतनी खूबसूरत रोड और बाइक राइड का तो मजा ही अलग है। अब हमारी डेस्टिनेशन में लगभग 900 साल पुराना शिव मंदिर है, जिसे बीसल देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वहाँ जो खूबसूरत व्यू दिखाई देता है उसकी तो बात ही अलग है। तो गाइस, आप ये देख रहे हो, ये इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस है। इन पाइपलाइन से पानी आपके जयपुर में पहुंचता है। देख लो कितनी बड़ी पाइपलाइन है। मैं अपनी बाइक इसके अंदर ले जाऊंगा तो बाइक भी चलाते हुए पहुंच जाऊंगा पानी के साथ साथ, देख सकते हो। ओहो हो, व्हाट अ व्यू, मजा ही आ गया गाइस। चलो नीचे चल के दिखाता हूँ। ये काफी पुराना मंदिर है, यहाँ से नीचे से बहुत ही अल्टीमेट व्यू आएगा। नीचे चल के आपको दिखाते हैं। तो इस बार मैं आपको लेकर के आ गया हूँ एक ऐसे पुराने मंदिर में, जो कि बीसलपुर में ही है और बहुत ही पुराना मंदिर है। इसका जो रास्ता है आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, वो देखिए, कुछ लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं, क्या बात है। ये देखो यहाँ से ये मंदिर। तो गाइस, मैंने मास्क वेयर कर लिया है यहाँ पर आने के बाद में। आपने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखे होंगे इस मंदिर के पीछे। देखो ये 1000 साल पुराना मंदिर, और मेरे इधर की साइड में बीसलपुर डैम। बहुत ही गहरा पानी है, मुझे पता नहीं था ये इतना गहरा पानी होगा यहाँ पर। मतलब इतनी दूर दूर तक एंड दे रहा है, ऐसा लग रहा है समुद्र के किनारे पर बैठा हूँ मैं इस टाइम पर। बहुत ही खूबसूरत, अल्टीमेट। और एक बात और बताना चाहूँगा यार, इतनी मेहनत करिए यार, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट करके जाना कि कैसा लगा। इस बार कमेंट ज़रूर करना, बाकी व्यू एंजॉय करो। और मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाता हूँ, फिर आपको वहाँ पर भी दिखाते हैं। भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक पिया और एक डेरी मिल्क खाई है। तो अब आगे जा करके खुद का लंच बनाएंगे और बना करके खाएंगे, कहाँ पर, इन पहाड़ों के पीछे। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं और अपने लंच की तैयारी करते हैं, आ जाइए। ये देखिए गाइस, ये बांध के गेट बीसलपुर के, और वहाँ सामने मंदिर है, और ये रास्ता जा रहा है नदी का, जो इसके किनारे किनारे हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे। वो देखो वहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, लोगों को बोट में घुमा रहे हैं वहाँ पर, आप देख सकते हो। जब ये गेट आज तो बिल्कुल ही बंद है, जब ये गेट खुलते हैं, हल्के से भी गेट खुलते हैं ये, तो आगे का पूरा रास्ता बंद करा दिया जाता है, आप देख सकते हो। और ये सामने जो मंदिर देख रहे हो, इसमें ये बताया जाता है कि ये जो पहाड़ियों के बीच में जो मंदिर है, इसमें से पानी टपकता रहता है, जो वहाँ सामने मंदिर देख रहे हो उसमें से। आप अंदर जाओगे तो आप भीग कर ही बाहर आओगे, बाकी आप ये देखो। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। व्यू देख लो चारों तरफ का, अल्टीमेट व्यू है। आपने ये हिडन प्लेस कभी नहीं देखा होगा, जयपुर से 100 किलोमीटर है और ऑफ रोडिंग के लिए नंबर 1 प्लेस है। तो गाइस अब यहाँ पर खाना बनाया जाएगा आज का लंच। Yeah,
सोचिए जरा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, तब तक मैं जा कर के अपनी तैयारियाँ चालू करता हूँ। आ जाओ। हाँ जी, तो गाइस यहाँ पे गाड़ी लगा ली है नेचर के ब्यूटीफुल से इस दुनिया में। तो भैंसे भी आई हैं, उन भैंसों के साथ में एंजॉय करेंगे खाना पीना। तो आइए चलते हैं, निकालते हैं अपने बैग को और सीधे मिलता हूँ आपको खाने वाली जगह पे। आ जा। गाइस मैं अपना सारा सामान यहाँ पे रख चुका हूँ, ये देख सकते हो। और मैं जा रहा हूँ, पैर स्लिप हो रहे हैं, तो तेरी गलत जगह से ऊपर बढ़ रहा हूँ गाइस। तो गाइस मैं पत्थर ढूंढ रहा हूँ अभी, इस टाइम पे मैं पत्थर ढूंढने निकला हूँ जिससे मैं चूल्हा जला सकूँ, आग लगा सकूँ। जिससे मैं एक पत्थर तो ये मिल गया है तुमको गाइस, पत्थर ढूंढ लिया है मैंने, अब लकड़ी ढूंढने का काम आ चुका है हाथ में। लकड़ियाँ लेके डायरेक्ट वहाँ मिलता हूँ, कैमरे में बैटरी नहीं है, इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आ जाओ गाइस, ये सेटअप हो गया है, थोड़ा सा डिहाइड्रेट फील कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सुबह से कुछ भी नहीं खाया और पानी की कमी है और पूरे दिन धूप में रहूँ। फुल धूप थी, सनी डे था फुली, जैसा कि गूगल ने कहा था, थंडर स्टॉर्म वो कहीं दिखा नहीं मुझे यहाँ पर। तो आइए चालू करते हैं आगे का काम। ये हमारा तेल हो गया, तो गाइस ये हमारी मैगी तैयार है। इसको इस बार मैं कहीं नहीं फेंकने वाला हूँ, कमेंट्स आ गए थे इस बार डिहाइड्रेट हूँ, लेकिन ये कचरा बैग के अंदर। तो आप लोगों की जो शिकायत थी वो मैंने दूर कर दी, इसके लिए आप मेरे 100 सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। गाइस मैगी रेडी है, व्यू इंसान और नेचर में आराम। तो आइए निकाल के परोसते हैं और खाते हैं, सुबह से हालत खराब हो गई है। तो गाइस एंजॉय कर रहा हूँ, देखिए क्या व्यू है सामने, नीचे भी नदी, सामने नदी और माउंटेन्स के बीच में मैगी, वाह क्या बात है। तो गाइस निकलने का टाइम आ चुका है, ब्लॉग एंड भी करना है, और लेकिन उससे पहले जो लास्ट ब्लॉग, मतलब लास्ट दो तीन ब्लॉग पहले जो कंप्लेन मिली थी उसकी पूर्ति कर दूं। तो देखिए गाइस मैं सब समेट रहा हूँ यहाँ से, जितना भी कचरा है, जो मैंने नहीं फैलाया वो भी और जो फैलाया वो भी, यहाँ से सारा कचरा समेट के ले जाऊँगा, चिंता ही मत करो। तो गाइस अब इस थैली की अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों के सामने करूंगा घर पहुंच के, क्योंकि मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। इस तरीके से आकर के अपना खाना भी खुद बनाना और ये सब कुछ, कोरोना ने कुछ नया ही सिखा दिया है। तो गाइस मैं आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाबा सी यू, अपना बहुत बहुत ख्याल करिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस व्यू को एंजॉय किया है तो लाइक किए बिना मत जाना, लोगों को शेयर किए बिना मत जाना। बाय बाय।